पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कुंदर के विकासखंड क्षेत्र के गांव पीतपुर नैयाखेड़ा में तैनात अध्यापक मुजाहिद हुसैन ने प्राथमिक स्कूल के निर्मित एक अतिरिक्त कक्ष को 30,000 रुपए में बेच दिया। जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसने उसे तोड़वा भी दिया। शिकायत होने पर जांच करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने भी शिकायत सही पाई और इसकी रिपोर्ट BSA को सौंपी गयी है। प्राथमिक विद्यालय है हमारा नैयाखेड़ा कुंदर की में, वहाँ के प्रधानाध्यापक मुजाहिद हुसैन जी थे। कल खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पता लगा था कि उन्होंने किसी एक कमरे को बेच दिया हुआ है, तो उसकी खंड शिक्षा अधिकारी ने कल जांच की थी। उसकी आँखें हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो पुष्टित पाए गए हैं। तो वो जो जाँच आँखें हमको प्राप्त हुई है उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इस विद्यालय को मैंने खुद ही 26 जुलाई को देखा हुआ था इससे पहले ही। तो विद्यालय को देख करके प्रथम दृष्टया लगा था कि इसमें कई साल से जो है रंगाई पुताई नहीं हुई है, मतलब कंपोजिट ग्रांट का जो है दुरुपयोग किया गया है। तो हम लोगों ने उसी समय इनका वेतन रोकते हुए और एक दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, वो उनकी अलग से जांच चल रही थी। तो दोनों चीज़ें हैं, पहला तो कंपोजिट ग्रांट का दुरुपयोग, दूसरा जो इन्होंने कमरे बेचने की जो शिकायत जो सही पाई गई है उसके आधार पर हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई अभी तक? जैसे मैंने पहले बताया कि जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और जब जांच रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो गुणदोष उसका आकलन करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।